सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल निष्का डीके में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। जैसा कि आप देखोगे, सुजलोन एनर्जी को लेकर कल बड़ी अपडेट आई थी कि कंपनी जो ना बॉन्ड के जरिए फंड रेज करने जा रही है, और आज आप देखोगे 25 सितंबर को राइट इशू को लेकर बड़ी अपडेट आनी थी, तो इसकी बड़ी अपडेट आ चुकी है। और क्या अपडेट है, हम जो ना डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कैसे आपको 9 रुपये वाला शेयर जो ना 5 रुपये में मिलने वाला है। तो आपको जो ना डिटेल में देखना है, वीडियो को जो ना एंड तक देखना है बिना स्किप किए, तभी जो ना आप इसके हर एक पॉइंट समझ पाओगे और कैसे आपको जो ना ये राइट इशू वाले शेयर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे अभी अभी अपडेट निकल कर आ चुकी है। अभी तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, 5 घंटे हो चुके अपडेट को, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे आज की डेट में जो ना इसकी ये बिग अपडेट है राइट इशू को लेकर। तो चलिए फटाफट से हम जो ना ये डिटेल में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो सुजलोन के रिगार्डिंग बड़ी अपडेट आ चुकी है 25 सितंबर को। तो यहाँ पर आप देखोगे आउट ऑफ द मीटिंग ऑफ द सिक्योरिटीज इशू कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डेटेड 25 सितंबर 2022। तो आज की जो इनकी मीटिंग थी वो सिर्फ और सिर्फ राइट इशू के रिगार्डिंग जो बिड उनके जो बताना था कि राइट इशू कैसा है, किस प्रकार आएगा, कितने शेयर आपको मिलेंगे, तो उन सबको लेकर है। तो यहाँ पर आप देखोगे इंस्टीट्यूटमेंट, तो यहाँ पर आप देखो पार्टली पेड अप ऑफ इक्विटी शेयर हैविंग ए फेस वैल्यू 2। तो आप देखोगे जिनकी फेस वैल्यू जो राइट इशू के अंदर जो आपको शेयर मिलेंगे, इनकी फेस वैल्यू आपको 2 देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप देखोगे जो टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं जो ये राइट्स इशू के अंदर आपको देने वाली है, राइट इशू का जो साइज है वो यहाँ पर आप देखोगे 240 करोड़ शेयरों का है। जी हाँ, 240 करोड़। और जिनकी वैल्यू आप देखोगे आपको देखने को मिल रही है टोटल वैल्यू जो है 1200 करोड़ की, यानी कंपनी जो है 1200 करोड़ का फंड रेज करेगी। और जो आपको पर इक्विटी शेयर के हिसाब से जो शेयर मिलेगा वो है 5 रुपये। जी हाँ, राइट इशू के अंदर आपको जो है 9 रुपये वाला शेयर 5 में मिलने वाला है। तो यहाँ पर मेन बात आती है भाई, ये 5 रुपये का शेयर क्या आगे चलकर 9 रुपये का हो जा या फिर नहीं होगा? आपके मन में यही सवाल होगा कि हम 5 रुपये में खरीद कर 9 में बेच देंगे, लेकिन भाई ये आपका जो ख्याल है ना वो थोड़ा बाहर निकाल दो दिमाग से। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखो भाई जो ये राइट इशू वाले शेयर हैं, राइट एंटाइटलमेंट आप जिनको बोलते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो राइट एंटाइटलमेंट। तो ये जो शेयर है आपको आरी के नाम से अलग से आपको जो है ये ट्रेड करते हुए नज़र आने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हो पीछे एयरटेल, भारतीय एयरटेल के द्वारा जो है 21,000 करोड़ का राइट इशू लेकर आई थी, ठीक है, ये पिछले साल की बात है, 21,000 का राइट इशू लेकर आई थी। तो उनके जो शेयर है वो आरी के नाम से अलग से अब जो ट्रेड हो रहे हैं 325 रुपये के आसपास, 330 रुपये के आसपास जो शेयर का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी प्रकार आप देखोगे जो राइट इशू वाले शेयर है ना वो अलग से हमें ट्रेड करते हुए नज़र आने वाले हैं। और जो ये कंपनी 1200 करोड़ का फंड रेज करेगी, इसका इफेक्ट हमें जो ना हर स्टॉक पर देखने को मिलेगा, राइट इशू वाले शेयरों पर भी, और जो ना ये राइट इशू से अलग जो शेयर है जो 9 रुपये के हमें देखने को मिल रहे हैं इन पर भी। तो ये दोनों जगह पर हमें इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कंपनी 1200 करोड़ का फंड रेज करेगी और बॉन्ड के जरिए भी आप देखोगे फंड रेज करने जा रही है। तो इन दोनों से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए जो ना बहुत ज़्यादा फंड उठा रही है, फंड रेज कर रही है, तो अपने आप को एक्सपेंड करेगी और फिर से जो है शेयर प्राइस हमें 450-450 रुपये के आसपास जाते देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे पर शेयर आपको जो ना 5 रुपये के हिसाब से मिलेगा, जिनका प्रीमियम आप देखोगे 3 रुपये है। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई हमें क्या देखने को मिला, आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, ये मैंने आपको बता दिया कि कितने शेयर आपको जो ना मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे राइट्स एंटाइटलमेंट रेशो, तो ये क्या है आप देखोगे 5:21 आपको जो दिया गया है, ये आप देखोगे 21 शेयर अगर आपके पास 9 रुपये वाले ये शेयर हैं सुजलोन एनर्जी के हाल फिलहाल अगर आपके पास 21 शेयर हैं तो आप 5 शेयरों के लिए एलिजिबल हो राइट इशू में अप्लाई करने के लिए, तब जो है ना आप 5 शेयरों के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास 21 शेयर ऑलरेडी इसके हैं। तो ये सब हमें जो ना अपडेट देखने को मिल रही है। तो मैंने आपको जो ना क्लियर बता दिया है क्या माजरा है, क्या होने वाला है, और राइट इशू के अंदर अप्लाई करना आपको है या फिर नहीं करना है वो आपकी मर्जी भाई, कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी के ऊपर। अगर कोई करना चाहे तो भी सही है, अगर नहीं करना चाहे तो भी सही है। अभी तक इसकी ना तो रिकॉर्ड डेट आई है और ना ही एक्स डेट आई है। जैसे इसकी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आ जाएगी, जब मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार आपको जो है इसके अंदर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई नहीं करेगा, तो मैं आपको जो है डिटेल में सब बताता रहूँगा जैसे इसकी रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट आ जाएगी। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर एक के पास पहुंचे। और कल के लिए अगर मैं बात करूं लेवल्स की,
तो हमारी पिछली वीडियो में जो मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया बॉन्ड के रिगार्डिंग जो वो वीडियो देख रहा है मैं उसके ऊपर जो ना मैंने डिटेल में आपको बताया है, चार्ट पर लेवल्स बताए हैं, सब मैंने जो ना आपको वहाँ पर बताए हैं, तो उसका वीडियो का लिंक जो ना मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप जो उसके लेवल्स कल के लिए देख सकते हो। तो कल स्टॉक के अंदर जो ना हमें तेजी देखने को मिल सकती है, क्या पता 20% का स्टॉक हमें जो ना अपर सर्किट भी लगाते हुए नजर आ सकता है कल की डेट में। अगर मार्केट का हाल अच्छा रहेगा तो स्टॉक दौड़ेगा, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।